होने के लिए न किसी का साथ मांगो, नाकामयाबी का डर नहीं रखो, और न कामयाब होने के लिए न किसी का साथ मांगो, न किसी के गले चाटो, मौत को पसंद करो, बेइज्जती को नहीं, दुश्मन को माफ करो, पर दोहेबाज को नहीं, दोस्ती वहां करो जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। बेटा आप किसको कायल करना चाहते हो, क्यों चाहिए तुझे लोगों की अप्रिसिएशन, क्यों चाहिए तुझे लोगों का एक्नॉलेजमेंट? बेटा तू अपने आप को कायल नहीं कर सकता, तू लोगों को क्या कायल करेगा? तुमने अभी अपने बाप को कांधा नहीं दिया, तुमने अपनी माँ को अभी कायल नहीं किया, और तू कहता है मैं लोगों को कायल करूंगा। ये लोग न थे बेटा, न होंगे, ये लोग तेरी टांगे कब काटेंगे तुझे पता नहीं चलेगा। अगर तेरा कोई दोस्त है वो सिर्फ और सिर्फ दो टांगे है तेरी, इन्हीं दो टांगों के साथ तू दुनिया में आया था और यही दो टांगे साथ लेके जाएगा। बेटा इन दो टांगों को चलाना सिखा, इन दो टांगों से दौड़ना सीख। व्हेन यू बिल्ड इन साइलेंस पीपल डोंट नो व्हाट टू अटैक। बेटा बड़ी काट काटनी होगी तन्हाइयों में अगर तू कुछ करना चाहता है। बेटा तफक्कुर सीख, फिर तज़क्कुर सीख, फिर तदब्बुर सीख, फिर तफस्सुर सीख, फिर लोगों को चलाना सीख, फिर उनपे फिर इनको पालना सीख, और फिर इन पे मरना मिटना सीख। बेटा दर्द को एक दर्द बख्श की जा, कायनात को एक कायनात बख्श की जा, फलसफे को एक फलसफा बख्श की जा, बेटा एक उम्मीद को एक उम्मीद दे की जा। फील लाइक अ ट्री व्हेन द पीपल थ्रो स्टोन्स ऑन यू, यू बैक देम एप्पल्स। बेटा एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपना दर्द भी देके जाता है और अपनी खुशी भी देके जाता है। बेटा शेर की तरह बन, शेर जहाँ पैदा होता है वहाँ तन्हाइयाँ होती है, न कोई मास्टर होता है ना कोई कल्चर होता है, लेकिन वो तन्हाइयों में अपनी काट करता है और फिर अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है। उसको टाइम लगता है अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है, डिफाइन करने में ना वो सबसे ताकतवर जानवर है, ना वो सबसे बड़ा जानवर है जंगल का, लेकिन बादशाह जो उसकी कायम रही आज लेके जाएगा। बेटा इन दो टांगों को चलाना सीखा, इन दो टांगों से दौड़ना सीख। व्हेन यू बिल्ड इन साइलेंस पीपल डोंट नो व्हाट टू अटैक। बेटा बड़ी काट काटनी होगी तन्हाइयों में अगर तू कुछ करना चाहता है। बेटा तफक्कुर सीख, फिर तज़क्कुर सीख, फिर तदब्बुर सीख, फिर तफस्सुर सीख, फिर लोगों को चलाना सीख, फिर उनपे फिर इनको पालना सीख, और फिर इन पे मरना मिटना सीख। बेटा दर्द को एक दर्द बख्श की जा, कायनात को एक कायनात बख्श की जा, फलसफे को एक फलसफा बख्श की जा, बेटा एक उम्मीद को एक उम्मीद दे की जा। फील लाइक अ ट्री व्हेन द पीपल थ्रो स्टोन्स ऑन यू, यू बैक देम एप्पल्स। बेटा एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपना दर्द भी देके जाता है और अपनी खुशी भी देके जाता है। बेटा शेर की तरह बन, शेर जहाँ पैदा होता है वहाँ तन्हाइयाँ होती है, ना कोई मास्टर होता है, ना कोई कल्चर होता है, लेकिन वो तन्हाइयों में अपनी काट करता है और फिर अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है। उसको टाइम लगता है अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है, डिफाइन करने में ना वो सबसे ताकतवर जानवर है, ना वो सबसे बड़ा जानवर है जंगल का, लेकिन बादशाह जो उसकी टाइम तो अपने आप को कायल नहीं कर सकता, तो लोगों को क्या कायल करेगा? तुमने अभी अपने बाप को कांधा नहीं दिया, तुमने अपनी माँ को अभी कायल नहीं किया, और तू कहता है मैं लोगों को कायल करूंगा। ये लोग न थे बेटा, न होंगे, ये लोग तेरी टांगे कब काटेंगे तुझे पता नहीं चलेगा। अगर तेरा कोई दोस्त है वो सिर्फ और सिर्फ दो टांगे है तेरी, इन्हीं दो टांगों के साथ तू दुनिया में आया था और यही दो टांगे साथ लेके जाएगा। बेटा इन दो टांगों को चलाना सीखा, इन दो टांगों से दौड़ अपनी खुशी भी लेके जाता है। बेटा शेर की तरह बन, शेर होता है, लेकिन वो तन्हाइयों में अपनी काट करता है और फिर अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है। उसको टाइम लगता है अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है, डिफाइन करने में ना वो सबसे ताकतवर जानवर है, ना वो सबसे जानवर है जंगल का, लेकिन बादशाह जो उसकी करता है। उसको टाइम लगता है अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है, डिफाइन करने में ना वो सबसे ताकतवर जानवर है, ना वो सबसे बड़ा जानवर है जंगल का, लेकिन बादशाह जो उसकी कायम रही आज तक वो सिर्फ उसकी एटीट्यूड। 3-4 महीने में दूसरों की बुरी लगती है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं सहारा देता है। गरीब आदमी से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। हो सकता है कि दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाए, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जो अपने आप के साथ बात करने का सफर है। इसमें बहुत थक जाता है इंसान। ये जो थकन है ना इंसान की, किसी चीज को थामने की, पकड़ के रखने की, किसी फलसफे को, किसी इरादे को, किसी मंजिल को, ये जो थामने का सफर है बड़ा दर्दनाक सफर है। इट्स वेरी हार्ड वर्क। बहुत थक जाता है इंसान। वो लोग जो थक गए, द पीपल हु टायर्ड, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, वो जो फैसला करना चाहते हैं और फैसला करने के अंदर थक गए हैं, वो जो जिन लोगों ने फैसले नहीं किए हैं वो थक गए हैं, और
कोई सहारा नहीं है दुनिया में, कोई समझ नहीं सकता। नो कोल्ड शोल्डर सा दियर। इनसे मैं यही कहूंगा कि एक वो मकाम है जिसमें बातें हैं, अफसरे हैं, तजिए हैं, बड़े बड़े रिसर्च सिस्टम हैं, बड़े ताकीद हैं, बड़ी मुनाक्षाएं हैं, बड़े मुनाजरे हैं। वो एक वो मकाम है जिसमें दर्द है, आंखों में वो दर्द है, लहजे में वो दर्द है, खून में लहू के अंदर जो एहसास है, बातों से बयान नहीं किया जा सकता। एक वो लोग है जो बात करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं। ये जिंदगी का फलसफा है, सुनाया नहीं जा सकता, जिंदगी को बताया भी नहीं जा सकता, न समझाया जा सकता है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो अपनी जिंदगी समझा नहीं सकेंगे, और ये उन्हीं को सलाम पेश करते हैं जिन लोगों ने बयान नहीं किया और गुजर गया। वो निशान जहाँ नजरों में आ जाएंगे लोग के, हम हैं दर्द है वो काट काट के आती है मेरे भाई, ये काट काटे हुए बगैर जिंदगी में आवाज नहीं बन सकती, दर्द दर्द बन नहीं सकता। वो किला, वो कर्ब, वो लफ्जों की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। ये काट काटनी बहुत जरूरी है, मुश्किल है, थक जाता है बंदा, अकेला है, तनाई है, एप्रिसिएशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वफाई नहीं है, जफाई नहीं है, वो गैरत है, आइसोलेशन है, अकेली तन तनहा ये सफर है। मगर ये कीमत है उस मुकाम की, उस जहाँ पे आपको कुछ बोलना ना पड़ेगा। लोग देख के कह देंगे सर जब्त और पालना सीखो, हर वो तूफान जो सीने में है तंग कर रहा है, जो चीखने पे मजबूर कर रहा है, जो फटने पे आमादा कर रहा है, जो इस टाइम पे आपको कन्विंस कर रहा है कि मैं आपको जवाब दूं, कि मैं आपके दहलीज पे अपना दम बयान करूं, वो शख्स एवरी मैन जिसे लगता है कि लफ्जों से कायल हो जाएगी, जुमलों से कायल हो जाएगी दुनिया, उनको मेरा यही पैगाम, दम बयान ना करे अपना, तेरी नजरों में वो दर्द, वो चेहरे पे वो रोब, अल्फाजों में वो शान, लहजे में वो आन, लगत के अंदर वो फसाद, तेरे वजूद के साथ जुड़ा हुआ वो एहसास लोगों में तब दिखेगा जब तू गुजर जाएगा वहां से कुछ कहे बिना। वो जुमले नजर लोगों को, वो जिंदगी क्या जुमले मिल जाए आपको, वो जिंदगी क्या जहाँ जुमले मिल जाए आपको, वो शुरुआत थी क्या जहाँ आपको जुमले मिल जाए। तो देयर इज अ लाइफ जिसमें आप दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, एंड देयर इज अ लाइफ जिसमें आपकी सेल्फ वेटेज, आपका पर्सनल वजन, आपकी रूहानी वजन इतना ज्यादा हो के आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, आप हों वो सिर्फ आप हो और आपका रब हो आपके साथ। उस मकाम तक पहुँचने के लिए मखलूक से और खुद से बहुत आज़ाद होना पड़ता है। उस मकाम पर पहुँचने के लिए जहाँ कहना ना पड़े कुछ, मुस्कुराहट से या खुद का कत्ल हो जाए या अगला गिर जाए, उस मकाम तक पहुँचने के लिए खामोश होना चाहिए, खामोश या साइलेंस, खामोश हो जा, कोई मसला ही नहीं, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा पर लंबा है। उस बेकार और उस मियाद तक पहुँचने के लिए कि कहने वालों की चीखें निकल जाए, कहेंगे कि बड़ा दिल दिया है रब ने, वो जो समझ ना सके, वो कभी समझ ही नहीं सके, दुनिया में एक ऐसी कौम है जो समझती नहीं है, दे विल नेवर अंडरस्टैंड, वो इन्हें समझा नहीं सकता। उस जगह पे सर मारना बंद कर जहाँ लोग समझ ना सकेंगे, स्टॉप एक्सप्लेनिंग टू द वर्ल्ड, दे कांट अंडरस्टैंड, चलता रहे, दिखता जा, चलता जा, दिखता जा, कीप कलेक्टिंग योरसेल्फ, चलता जा, दिस इज द प्राइस, इस इंतखाब का। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, लोग होंगे मगर लोग ना होंगे, ये तेरा ही दम है, ये किस्मत वालों को मिलता है। खामोशी इख्तियार करना, ये वहाँ तक तूने काट काटी है जहाँ तक रब ना फैसला ना सुनाए, तू कर अल्लाह की ज़मीन पे कर कुछ, ताकि उसको अल्लाह को आसमानों पे करना करेगा आपके लिए कुछ। जब तक रब आसमान से फैसला सुनाए तब तक तुम्हें करना है ये काम, जब तक रब अपना फैसला सुना दे। ये जो मैथ्स दुनिया की है ना, ये मैथ्स सिर्फ तब तक की जाती है जब तक अल्लाह का मेडिकल नहीं आता। जिस दिन वो मौजा उतरेगा ना, लोग समझ ही नहीं सकेंगे कि कहाँ लेके गया उसको रब, ये सारी मेहनत, ये सारा सबर, ये सारा बर्दाश्त, ये सारा जब्त, ये सारा हौसला, ये सारी काट सिर्फ इसलिए है कि तो अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हम पे नजर कर ले, अल्लाह देख
मैं तेरे आसमान के नीचे तुझसे तेरे खजानों की भीख मांग रहा हूँ, मैं तुझसे तेरे खजानों की भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह मैं अपनी मैं तनाव के तस्वीर करके मैं चालों के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके आगे